पब्लिक टीवी आपकी आवाज। मुरादाबाद मेयर सीट पर भाजपा नेता दीपक अग्रवाल की पत्नी दीपाली अग्रवाल एक बार फिर प्रबल दावेदारों के रूप में सामने आई है। दीपाली अग्रवाल के मैदान में आने से इस सीट पर एक बार फिर से टिकट के दावेदारों के बीच मुकाबला रोचक हो गया है। बता दें कि दीपाली अग्रवाल मुरादाबाद की महिला मोर्चा में महानगर कोषाध्यक्ष के पद पर तैनात है। दीपाली अग्रवाल के पति पिछले लंबे समय से भाजपा के साथ मिलकर काम कर रहे हैं, तो वहीं दीपाली अग्रवाल भी भाजपा के साथ मिलकर काम कर रही है। 2022 में भी उन्होंने लगातार काम किया, भाजपा के संगठन को मजबूत किया। दीपाली अग्रवाल की दावेदारी के बाद भाजपा में टिकट को लेकर घमासान तेज हो गया है, जिसके बाद से टिकट के समीकरण उलझते जा रहे हैं। दीपाली अग्रवाल की बात करें तो उनका कहना है कि वो महानगर कोषाध्यक्ष महिला मोर्चा के पद पर है और वो लगातार भाजपा की सेवा करने में आगे है। प्रथम तो मैं अपने देश के प्रधानमंत्री माननीय मोदी जी का बहुत बहुत हृदय से धन्यवाद और आभार प्रकट करती हूँ कि उन्होंने हम महिलाओं को आगे आने के लिए बहुत अच्छा प्रयास किया है और उन्होंने महिला सशक्तिकरण का बहुत बड़ा उदाहरण दिया है कि हमारे मुरादाबाद की महानगर की महापौर की सीट सामान्य महिला कर दी है, जिससे हम सब महिलाओं में बहुत जोश और उमंग है। सभी अपनी दावेदारी कर रही हैं, उसी लाइन में मैंने भी अपनी दावेदारी की है और अगर संगठन मुझे मौका देगा तो मैं तन मन धन से और जी जान से पूरे अपने परिवार के सहयोग के साथ इस सीट को जिताऊंगी और मुरादाबाद को एक नया मुरादाबाद और कमल खिलाऊंगी। अगर बाकी संगठन के पदाधिकारियों की जो स्वीकृति होगी वो सिरोधार्य है, हमें मंजूर है, अगर वो मुझे मौका देंगे तो मैं उनका ये नारा सार्थक करके रहूंगी, सबका साथ सबका विकास और सबका साथ, क्योंकि हम हमेशा भाजपा के साथ हैं और हमारा यही उद्देश्य है कि हमें मुरादाबाद में फिर से कमल खिलाना है। बाकी जो संगठन के पदाधिकारियों की स्वीकृति वो जिसको भी टिकट दे हम उसको भी जी जान से लड़ाएंगे, हमें तो केवल मुरादाबाद में कमल खिलाना है और भाजपा को बढ़ाना है। पब्लिक टीवी आपकी आवाज़।